अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद उमैर खान। और मैं आज फर्स्ट ईयर का कुछ स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं वो कुछ कवर करवाऊँगा आपको। और उसमें सबसे पहले आपके पास आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो है वो एक पहला चैप्टर है स्कोप ऑफ फिजिक्स। और इसमें जो चीज़ें जो हम कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल बेसिक एंड ड्राइव क्वान्टिटीज और कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं फिजिक्स क्या चीज़ है। फिजिक्स जो है हमारे पास वो है स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ एनर्जी एंड स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अच्छा, अब ये बताना पड़ेगा कि मैटर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैटर देखते हैं, एनी थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो आपके पास स्पेस घेरे, जगह रखे, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ मास भी जुड़ा हो, उसके साथ मास भी हो, उसके पास मास भी हो, उसको क्या कहेंगे हम, मैटर कहेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आ गई हमारे पास, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, टेबल आ गया, इंसान इट्सेल्फ मैटर है, ठीक है, चेयर आ गई, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो सारी मैटर की बनी। उसके बाद कहते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या चीज़ है हमारे पास, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत, मैकेनिकल वर्क करने की सलाहियत, तो क्या कहेंगे हम, एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अब लेट्स से मैं मुझे एक बॉल को किक करनी है, ठीक है, तो मुझे अगर मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं उसको किक कर सकूँ तभी वो किक होगी। ठीक है, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं उसको किक कर सकूँ तभी मेरे से वो किक हो पाएगी, अदरवाइज एनर्जी नहीं है तो मैं उसको किक भी नहीं कर सकता। ठीक है, एनर्जी जो है हमारे पास काबिलियत होती है, काम करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी, मैटर और एनर्जी की इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन कहते हैं मिलाप, मिल जुल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैटर और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन पैदा होगा उसको क्या कहेंगे हम, फिजिक्स कहेंगे। वो भी हमारे पास फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉल जो है एक मैटर है, ठीक है, वो अगर मैं किसी हाइट से फेंकूँ, जब वो मेरे हाथ में होगी किसी हाइट पर होगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, मैटर भी है और एनर्जी का रिलेशन भी है। ठीक है, जब मैंने उसको रिलीज़ किया वो वही मैटर क्या करेगा, मूव कर रहा होगा, फ्री फॉल हो रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा। जब वो नीचे गिर रहा होगा तो क्या होगा, वो उसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल का एक कम्बिनेशन मिलेगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MGH, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। जैसे जैसे हाइट कम हो रही है वैसे वैसे एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। वो क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब है कि वेलोसिटी जैसे जैसे करीब जाता रहेगा बॉडी जमीन के, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो वेलोसिटी जो है हमारे पास मैक्सिमम होगी जब बॉडी जो है जमीन के करीब होगी, और उस वक्त पोटेंशियल क्या हो चुकी होगी, पोटेंशियल बिल्कुल लो हो चुकी होगी या बिल्कुल जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि हाइट जो है उसकी क्या हो चुकी होगी, कम। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन देखा हमने। इसमें ये भी किस में पढ़ेंगे हम, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ नहीं है फिजिक्स, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मैटर की जो फिजिक्स होगी, मैटर की जो भी चीज़ें होंगी उसमें क्या किस में पढ़ेंगे हम, फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी क्या होती है, इन मैटर से क्या रिलेशन है उसका, इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, द साइंस दैट वी कैन मेजर, हम ऐसी साइंस है फिजिक्स हमारे पास के जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और मेजरमेंट करने के लिए जाहिर सी बात है क्वांटिटी होना चाहिए, क्वांटिटी और यूनिट ज़रूर होने चाहिए। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जिसको कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, फंडामेंटल का मतलब ये होता है बेसिक, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज़ सेकेंड जो है हमारे पास जो ड्राइव होकर निकली हैं। ठीक है, हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं।
फंडामेंटल क्वांटिटीज, देर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, जो सबसे इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के ऊपर रिलाई नहीं करती हो, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हो, वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, याद रहेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना करें, किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, वो इट्सेल्फ वो डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ यूनिट्स भी देखने, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होंगे उसको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास सिस्टम एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम होता है, वो बताऊंगा मैं आगे, तो उसमें जो है फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास कुछ ये हैं। लेंथ का यूनिट जैसे आपके पास मीटर है, मीटर बेसिक है, मीटर से पहले कुछ नहीं था, मीटर के बाद आया बहुत सारी चीज़ें, मीटर के बाद मीटर स्क्वायर आया, मीटर क्यूब आया, सेंटीमीटर आया, मीटर हमारे पास बेसिक था। ठीक है, इसी तरह टाइम, टाइम का सेकंड है, सेकंड से पहले कुछ नहीं है, सेकंड के बाद आया मिनट, ठीक है, उसके बाद आया आवर, उसके बाद आया डे, तो हमारे पास सेकंड जो है वो बेसिक है, सेकंड से मिलके बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सेकंड किसी चीज़ से मिलके नहीं बना हुआ, इसी वजह से इसको किस में डाला हुआ है फंडामेंटल यूनिट्स में डाला हुआ है। मास का है किलोग्राम, किलोग्राम जो है हमारे पास बेसिक है, किलोग्राम से पहले कुछ नहीं था, ठीक है, किलोग्राम से मिलके बहुत सारी चीज़ें बनी, किलोग्राम की कन्वर्जन बहुत सारी है, ग्राम में भी कन्वर्जन है, मिलीग्राम में भी कन्वर्जन है, मगर किलोग्राम जो हमारे पास वो है बेसिक। अच्छा, लाइट इंटेंसिटी या लुमिनस इंटेंसिटी का जो बेसिक यूनिट है वो कैंडेला, ठीक है, इसके अलावा कोई यूनिट नहीं है इसका। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन और करंट का यूनिट है एम्पेयर, बेसिक बेसिक यूनिट्स हैं हमारे पास केल्विन और एम्पेयर, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और रह गया, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मोल, ठीक है, मैटर की जो क्वांटिटी यूनिट होगा वो क्या होगा, मैटर को किस में यूनिट, किस यूनिट में मेजर करेंगे, मैटर को मोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मोल के अंदर यूनिट मेजर करेंगे। ठीक है, ये सारी बेसिक क्वांटिटीज हैं जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, हर एक क्वांटिटी का यूनिट बताया गया है, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, मास का किलोग्राम, लाइट इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पेयर और मैटर का मोल। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स होगा। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज आती हैं, वो ड्राइव नाम ही से लग रहा है कि ड्राइव हुई है किसी चीज़ से, तो जो फंडामेंटल से मिलके बने, दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल को यूज़ करते हुए बने वो क्या कहलाएंगी, ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, हमारे पास फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, सिंबल उसका एन होता है, और न्यूटन के अंदर भी आपको लग रहा होगा न्यूटन जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, मगर वो फंडामेंटल है नहीं, वो एक बेसिक, वो एक ड्राइव क्वांटिटी। जैसे आपके पास फंडामेंटल, एक आपके पास फंडामेंटल है किलोग्राम, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, और एक है मीटर और एक है सेकंड स्क्वायर, तो तीन फंडामेंटल से मिलके एक ड्राइव बन रहा है, यानी कि न्यूटन, न्यूटन इट्सेल्फ कुछ नहीं है, न्यूटन के अंदर क्या चीज़ें, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, ठीक है, मीटर किसका है, लेंथ का, और सेकंड स्क्वायर यानी कि टाइम का, तो तीन फंडामेंटल से मिलके एक ड्राइव क्वांटिटी बनी है, उसका नाम हमने इसको ड्राइव में डाला हुआ है। ठीक है, इसी तरह जूल जो है एक न्यूटन और एक मीटर से मिलके बना, न्यूटन भी किससे मिला है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। बहरहाल तो आपके पास क्या है, ये भी इस तरह, इसी तरह क्या है, इसी तरह आपके पास मीटर के बाद ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, ओम किससे मिलके बना है, वोल्ट और एम्पेयर से। ठीक है, तो वोल्ट भी हमारे पास एक जो हमारे पास ड्राइव यूनिट है वोल्ट का, इसी तरह कैपेसिटेंस का यूनिट है फराड, तो ये सारे जो यूनिट्स हैं वो हैं ड्राइव, ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, ड्राइव क्वांटिटीज हैं और उनकी यूनिट्स भी बताएं मैंने। ठीक है, सिस्टम यूनिट्स की बात करते हैं कुछ। सिस्टम यूनिट्स में हमारे पास चार सिस्टम्स हैं फिजिक्स के अंदर जिसे हम पढ़ते हैं, पहला है सीजीएस सिस्टम जिसको हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड कहते हैं, ठीक है, सीजीएस का मतलब, और दूसरा है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम या एफपीएसबी कहते हैं इसका, फुट पाउंड सेकंड जिसका नाम है। ठीक है, एमपीएस सिस्टम है मीटर किलोग्राम सेकंड, और एसआई सिस्टम भी मीटर किलोग्राम सेकंड को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है अभी सिस्टम इंटरनेशनल इस पर चल रहे हैं, पूरी दुनिया इस पर चल रही है, सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब ये कि पूरी दुनिया इंटरनेशनली इसी को फॉलो करती है। एसआई यूनिट जो है हमारे पास ये है, लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है और टाइम का सेकंड है, इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है।
अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करते हैं। हमारे पास कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत तहलका मचा के गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया, और मतलब समझ लो कि जो मेजर इनकी कंट्रीब्यूशन थी वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं इब्नुल हाशम, ठीक है, अरब साइंटिस्ट थे, अरब मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिजिक्स भी थे। एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो एस्ट्रोनॉमी करने वाले जो लोग होते हैं, हेवनली बॉडीज़ को देखने वाले जो लोग होते हैं। मैथमेटिशियन थे, मैथ्स मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर थे और जो है वो उस्ताद थे। तो फिजिक्स भी थे, फिजिक्स में भी जो है उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। इराक़ में पैदा हुए, बसरा एक शहर था वहाँ पे इराक का, तो वहाँ वो पैदा हुए। और सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो थी उनकी, वो प्रिंसिपल ऑप्टिक्स के ऊपर, मतलब ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत काम किया। ऑप्टिक्स कहते हैं चश्म, यानी कि विजन के ऊपर जो है ना बड़ा काम किया उन्होंने। कि फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एंटरिंग इन अ डार्क रूम ही मेड मेजर ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग लाइट, लाइट की और विजन की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग इन्होंने दी, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कैमरे के जो है ना वो एक बुनियाद रखी, पिन होल कैमरे की। और इनकी जो बेस्ट बुक थी, सबसे पावरफुल जो बुक थी, वो क्या थी, किताब उल मनाजिर के नाम से, जो ऑप्टिक्स के ऊपर ही, जो ऑप्टिक्स के ऊपर इन्होंने लिखी, ये बेस्ट बुक थी इनकी। उसके बाद आते हैं इब्ने सीना, ये मेडिसिन के ऊपर भी काम कर चुके हैं, साइकोलॉजी पे, जियोलॉजी पे, फिजिक्स पे, एस्ट्रोनॉमी पे, केमिस्ट्री पे, फिलोसफी पे, ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इन्होंने काम किया। उसके साथ साथ वो एक पोइट भी थे और इस्लामी स्कॉलर भी थे, तो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अच्छा, इनका नाम इब्ने सीना के अलावा एबी सीना के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। और इनकी जो मोस्ट पावरफुल थ्योरीज जो थी, इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज जिसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, चैप्टर 4 के अंदर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये आर टू डायमेंशनल मोशन जिसे कहते हैं आप, और मैकेनिक्स फोर्स मोशन वगैरह के बारे में जो भी चीज़ होंगी क्या कही जाएगी, वो सब इन्होंने क्या है उसकी थ्योरीज, उनकी सारी बहुत पावरफुल थ्योरीज थी। ही स्टडीड एन एनवायरमेंट विदाउट एयर फ्रिक्शन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वुड ऑलवेज रिमेन इन मोशन ड्यू टू इट्स इनर्शिया। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किसी के पास ही था, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्होंने दिया है इब्ने सीना, ठीक है। इन्होंने कहा अगर एयर फ्रिक्शन निकाल दी जाए तो जो मूवमेंट हो रही है एयर के अंदर वो चलती ही रहेगी, ठीक है। फ्रिक्शन निकाल दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ रुकने का नाम नहीं लेगी, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि एनवायरमेंट में जो भी मूवमेंट हो रही है अगर एयर फ्रिक्शन निकाल दी जाए तो उससे क्या होगा, वो हमेशा मोशन के अंदर ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। ये इनर्शिया का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उस जमाने में। और इनकी जो मोस्ट पावरफुल बुक थी वो थी अल कानून फिर तिब, उसको मेडिसिन का नाम भी देते हैं, कैनन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और दूसरी बुक जो थी उनकी अल शिफा के नाम से। उसके बाद आते हैं अल बैरूनी। अल-बैरूनी वॉज आउटस्टैंडिंग एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, फिजिकिस्ट, फिजिशियन, जियोग्राफर, जियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन। एस्ट्रोनॉमर भी थे बहुत अच्छे, मैथमेटिशियन थे, फिजिकिस्ट थे, फिजिशियन थे, जियोग्राफी के ऊपर काम किया उन्होंने, जियोलॉजी के ऊपर काम किया, और हिस्ट्री के ऊपर भी बहुत काम किया। फारज़म में पैदा हुए, फारज़म जो है वो उज़्बेकिस्तान के अंदर पाया जाता है। इन्होंने 60 डिफरेंट वेज में नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया, ठीक है। 60 डिफरेंट वेज में आप नॉर्थ और साउथ किस तरह चेक कर सकते हैं इनकी टेक्निक से, ठीक है। इन्होंने ऐसी टेक्निक्स प्रोड्यूस करी। सोलर इक्लिप्स के बारे में, सन इक्लिप्स, मून इक्लिप्स, ठीक है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया कि उससे पहले कभी किसी ने सन इक्लिप्स के ऊपर, सन की मूवमेंट के ऊपर कभी कोई काम नहीं किया था। बेसिकली सन की मूवमेंट और इक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर इन्होंने बहुत वर्किंग की है, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ी बुक जो थी, जो फेमस बुक थी, वो उनकी थी अल कानून अल मसूदी। फिर आते हैं हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम में, और इंडिया का इलाका था पहले, अब वो पाकिस्तान में आ गया, ठीक है। बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट थे मैथमेटिक्स के और साइंस के, और मास्टर्स जो है इन्होंने मैथमेटिक्स में किया था। फिर उनको जो है आपको 3 साल की जो है स्कॉलरशिप मिल गई कैम्ब्रिज में, यूके में।
फिर उन्होंने पीएचडी किया, पीएचडी करने के साथ साथ उनको एक स्मिथ प्राइज मिला था यूएससी की तरफ से डॉक्टरेट से पहले, जब इनका डॉक्टरेट होने वाला था, पीएचडी होने वाले थे, उससे पहले इनको एक बहुत अच्छा प्राइज मिला था स्मिथ प्राइज के नाम से। तो सलाम को हमारे पास नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। उनकी एक थ्यूरी थी ग्रांड यूनिफिकेशन थ्यूरी के नाम से, GUT के नाम से एक थ्यूरी है, उस पर उनको नोबेल प्राइज मिला। और मैन आज हमारे पास ये साइंटिस्ट है फिजिक्स के। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुए और हाई एजुकेशन जो है इन्होंने डीजे साइंस से हासिल की, ठीक है। और कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीएससी की डिग्री ली मेटलर्जी के डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद वो पीएचडी इन्होंने किया बेल्जियम से, लिविन यूनिवर्सिटी से। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इन्होंने कायम की और बहुत सारे तालीमी इदारे पाकिस्तान के अंदर खोले। और सबसे बड़ा जो इनका कारनामा था वो ये था कि इन्होंने पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड में पहला न्यूक्लियर कंट्री बनाया। अब तक किसी भी न्यूक्लियर, किसी भी इस्लामी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें इस एजाज से नवाजा कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये सिर्फ इनकी इनकी बदौलत थी, इनके हार्डवर्क की वजह से हुआ कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें जो है वो अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी। तमाम मुस्लिम मालिक में अभी तक किसी के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। ये थी सारी कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास पहला चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद सेकेंड में जो लेक्चर दूंगा उसमें होगी आपके पास डायमेंशंस, उसको डिस्कवर करेंगे, उसको आपके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।